हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मलाई चिकन वाइट चिकन ग्रेवी। ये मेरी ऑनलाइन क्लासेस की ग्रेवी है, लेकिन रमज़ान का दिन चल रहा है तो कुछ ना कुछ खास हो जाना चाहिए। तो ये कम सामान से बनने वाली गजब की ग्रेवी है, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए। चिकन देखिए कितना मुलायम बना है कि उंगलियों के बीच घुल जाए। फलक की फेवरेट डिश है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो ज़रूर कर लीजिए। 500 ग्राम मैंने लिया है चिकन। इसमें मिला रही हूँ टेस्ट के अनुसार नमक, आप जैसा नमक खाती हैं वैसा मिलाइए। पर दही आपको डालना है हाफ कप दही, और 1 टेबलस्पून आपको डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें डालना है 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा अपने स्वाद के हिसाब से, मेरे लिए 1 टीस्पून काफी है। इसे मैरिनेट करके कम से कम 2 से 2.5 घंटे रखिए ताकि चिकन जल्दी गल जाए और इससे ज्यादा टाइम ना लगे। मैंने लिया है 1/4 कप ऑयल, 1 बड़ी काली दालचीनी और बड़ी काली इलायची, 1 तेज पत्ते को मैंने टुकड़े कर लिए हैं, ब्लैक पेपर लिया है 3 से 4, मैंने 3 प्याज को पेस्ट बना लिया है, ये तकरीबन 1/4 यानी 1 कप और 1/4 कप जितना पेस्ट बना है। अब ये मैं इसको लाल कर ले रही हूँ, लेकिन इसे जलने जितना पकाना नहीं है, आपको गुलाबी हो जाए आपका प्याज बस तब मैरिनेट किया हुआ चिकन आपको इसमें मिक्स कर देना है, और कोई भी मसाला आपको नहीं डालना है। अब इसे आप 20 मिनट के लिए धीमी आंच पर रख दीजिए जब तक कि इसका ऑयल अलग ना हो जाए मसाले से। 15 मिनट बाद आप देखेंगे अलग हो जाएगा। 50 ग्राम मैंने लिया है काजू और 4 से 5 हरी मिर्चें स्वाद के अनुसार। देखिए 20 मिनट में जो मुलायम चिकन है वो गल चुका है और हमारा ये काजू का पेस्ट भी तैयार हो गया है। ऑयल बिल्कुल छोड़ दिया है मसाले को, तो इस वक्त आप पेस्ट डाल सकते हैं, इसमें पेस्ट बिल्कुल नहीं चिपकेगा नीचे। थोड़ा सा पानी, ग्रेवी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब मैं इसे 5 मिनट पकने दूंगी, उससे ज़्यादा नहीं पकाऊंगी वरना ये कढ़ाई में चिपकने लग जाएगा। 5 मिनट बाद आप देखेंगे जब इसे खोलकर तो अगेन ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। कसूरी मेथी इसमें डालिए और गजब का टेस्ट बनता है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं कल सुबह एक नई वीडियो के साथ। मेरी बेटी की तो फेवरेट है ये डिश, ज़रूर ट्राई करना।